हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल इंटर स्टूडेंट्स। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। अभी तक मैंने आपको May 24 के लिए 3 चैप्टर्स की फुल फ्लेज रिवीजन जो है वो करवा दी है। एक अपना सैलरी हो गया, एक हाउस प्रॉपर्टी और एक रेजिडेंशियल स्टेटस। तीनों चैप्टर्स के एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। सैलरी के एमसीक्यू की मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेकर आ रहा हूं जो कि काफी छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो रेगुलर क्लास में हमने इस चैप्टर को किया है, बहुत सारे हमने इसके क्वेश्चन भी किए हैं। तो आज एक काम करने जा रहे हैं हम लोग, इसके प्रोविजंस को याद कर रहे हैं और फिर से आप घर पे प्रैक्टिस करना। उससे पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटे, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। May 24 के लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। सारी की सारी ये आपको अपने टैक्सेशन के एग्जाम में एग्जेम्पशन लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्लियर है? तो मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बेटे, अब इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है स्टार्ट बेटे? 5 हेड ऑफ इनकम हमारे पास होते हैं। क्लियर है? कितने? 5 हेड ऑफ इनकम। मैं सीक्वेंशियल बोलता हूं इसको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और इसके अलावा कैपिटल गेन, पीजीवीपी और अदर सोर्सेज। बेटे जो पहले की 4 हेड मैंने आपको बताए थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी या कैपिटल गेन, अगर किसी एसएससी के पास कोई इनकम आ रही है जो इन 4 हेड में कवर नहीं होती, वो इनकम इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आ जाती है। तो बहुत सारे अदर सोर्सेस के एग्जाम्पल है, जैसे मुझे किसी कंपनी से डिविडेंड मिल गया, तो डिविडेंड कोई मेरी सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो ये सब कुछ जो है कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में। मान लो मैंने कहीं से लॉटरी जीत ली, या मुझे किसी डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिल गया, या मेरे को एफडी पे इंटरेस्ट मिल गया, या मुझे कहीं से गिफ्ट मिल गया, मेरा कोई कोर्ट में केस चल रहा था, वो केस आज मैं जीत गया तो बहुत सारा पैसा मेरे को मिला, या मेरे को कहीं से मैंने कोई विजिट करी तो उसका पैसा मिल गया, जैसे मैं टीचर हूं तो मैं एग्जामिनर पेपर सेटर बनकर गया तो वहां मुझे कुछ पैसा मिल गया, या मेरी फैमिली पेंशन आ रही है। तो कुल मिलाकर ऐसी इनकम जो 4 हेड्स ऑफ इनकम जो पहले पड़ी है वहां पर कवर नहीं होती, वो वाली इनकम मेरी कवर हो रही है कहां पर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। और यहां पर हमारा एक चार्जिंग सेक्शन है 56(1), तो आप लोगों को याद होगा हर चैप्टर का एक चार्जिंग सेक्शन है। जैसे कि मैं बात करता हूं पीजीवीपी की, तो सेक्शन नंबर 28, कैपिटल गेन की सेक्शन नंबर 45 और इनकम फ्रॉम सैलरी की सेक्शन नंबर 15, अदर हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन 22, तो अदर सोर्सेस की भी एक है सेक्शन 56(1). ऑल वेल, तो 56(1) एक चार्जिंग सेक्शन है जो कि अदर सोर्सेस के बारे में बताएगा, और 56(2) आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी इनकम को आप अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल करने वाले हो। ऑल वेल, तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी एक डेढ़ पेज, एक सवा पेज के अंदर जो है, एक मेन पेज है, थोड़ा सा मैंने अलग से भी लिखा हुआ है, इसके अंदर कवर है। आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अदर सोर्सेस का, वो यहीं से होगा। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले देखो अदर सोर्सेस में लिखा हुआ है, इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट। किसी भी तरीके की इनकम जिसको आप टोटल इनकम से हटा नहीं सकते हो, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर वो चार्जेबल नहीं हुई किसी और 4 हेड में। क्लियर है? तो ये मैंने अभी आपको बताया। 56(2) आपको ये बताएगा कि कौन कौन सी इनकम इस हेड के अंदर हमें टैक्सेबल करनी है। तो बेटे मैं सीक्वेंशियल स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले डिविडेंड की इनकम, कौन सी इनकम बेटे? डिविडेंड की इनकम, तो बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहा, अगर शेयर होल्डर के हाथ की हम बात करते हैं, मतलब डिविडेंड रिसीव हुआ है किसको? शेयर होल्डर को। क्लियर है?
बेटे मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में भी बताया था कि बजट 2020 के बाद से एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 115 ओ, जिसको अबॉलिश कर दिया गया था, जहां पर पहले डिविडेंड जब देते थे तो उस समय पर टैक्स पे जो करते थे वो कौन करती थी, वो गवर्नमेंट, सॉरी कंपनी टैक्स पे करती थी। तो अब डिविडेंड जो कंपनी देती है वो इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर टैक्सेबल होता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर की इनकम है। जैसे कि मेरा किसी कंपनी के अंदर मैंने शेयर ले रखे हैं, तो आज मुझे उसका डिविडेंड मिल रहा है, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और यहां पर मेरे ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्स बेटे किस पर लगेगा? मान लो कंपनी ने मुझे जो डिविडेंड दिया है वो टीडीएस काट कर दिया है। क्या काट के? टीडीएस काट कर दिया है। तो पहले मेरे को उस अमाउंट को ग्रॉस करना पड़ेगा, तो ग्रॉस डिविडेंड मुझे निकालना है इज इक्वल टू नेट डिविडेंड अपॉन में 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, जो कि 10% है। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हो 3 लाख रुपए का नेट डिविडेंड असेसी को रिसीव हुआ है, तो आप अदर सोर्सेस की इनकम कैलकुलेट करते वक्त 3 लाख डिवाइड बाय 90% करोगे, वो 100% यानी कि ग्रॉस डिविडेंड बन जाएगा। तो कह रहा है हैज डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू टीडीएस, हैज सच इनकम इज टू बी ग्रॉस्ड अप। ऑल वेल बेटे, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी की अगर बात करते हो तो कंपनी क्या करती है? कंपनी टीडीएस काटती है, वो भी 10% के रेट से। ये टीडीएस के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और रिवीजन टीडीएस के चैप्टर की भी आएगी, वहां आपको दोबारा से बताया जाएगा कि डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो वहां पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी टीडीएस काटती है। इसीलिए तो रिसीवर यानी कि इनकम रिसीवर को अगर टीडीएस कट के मिला है तो ग्रॉस करेंगे। ऑल वेल, बस ये याद रखना है बेटे, अगर टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल करना है तो वो डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ऊपर होना चाहिए, उसी पर टीडीएस लगेगा। मतलब अगर 5,000 रुपए तक का डिविडेंड कंपनी दे रही है तो टीडीएस नहीं काटेगी, और टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड रीड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। तो अब यहां पर क्या है, ये बेटे रीड नहीं है, रिसीव्ड है। अगर कोई डिविडेंड रिसीव करा इंडियन कंपनी ने किसी स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से, तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी क्या है? अगर किसी इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी के अंदर 26% या उससे ज्यादा होल्ड होता है तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मानी जाती है, और वहां से किसी इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है तो सर 15% इस पर आपका क्या है, टैक्सेबिलिटी है, प्लस सरचार्ज लगेगा 12% का। 15% के अमाउंट पर 12% सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऑल वेल बेटे, तो ये हमारा हुआ डिविडेंड का इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब हम बात करते हैं बेटे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग बेटे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में बताया हुआ है कि मान लो मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सिक्योरिटी पर, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ग्रॉस इंटरेस्ट में से लेस करूंगा उस इंटरेस्ट को रिसीव करने में मेरा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, माइनस करूंगा। दूसरी बात, मान लो आज मुझे जिस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिक्योरिटी मैंने लोन लेकर परचेज की थी, और जिससे लोन लिया था उसको मैं बदले में इंटरेस्ट दे रहा हूं। मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया 5% के रेट पे, तो इंटरेस्ट कितना बना बेटे, 10 लाख का 5%, क्लियर है? तो ये अमाउंट आपका बन जाता है कितना, 50,000 रुपए। ऑल वेल, मतलब मैं 50,000 हर महीने इंटरेस्ट पे करूंगा। मैंने वो 10 लाख रुपए किसी कंपनी में डिवेंचर खरीद लिए और वहां से मिले मुझे 10%, यानी कि एक साल में मुझे 1 लाख रुपए का डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और उस 1 लाख रुपए में से मैं माइनस करूंगा मैंने उस इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए लोन जो लिया था डिवेंचर को खरीदने के लिए, उसको दिया गया इंटरेस्ट, मतलब 50,000। ऑल वेल बेटे, तीसरी बात ये कहता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस, बेटा फ्लैट टैक्स रेट 30% का आपको मान लेना है। मान लो कि आज मेरे को लॉटरी से कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो वहां पर पूरा का पूरा फ्लैट 30% का जो है वो रेट टैक्सेबिलिटी मेरे ऊपर लगेगी, और अमाउंट को मैं पहले क्या करूंगा, ग्रॉस अप करूंगा। ऑल वेल, तो मान लो क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि नेट लॉटरी का पैसा मिला है 1 लाख रुपए का, तो पहले मैं 1 लाख डिवाइड बाय 70% करूंगा, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा वो ग्रॉस आएगा और उस पर मैं टैक्स पे करने वाला हूँ। ऑल वेल बेटे, अब एक बात याद रखना,
कि जैसे कि इंटरेस्ट को रिसीव करते वक्त मेरा जो एक्सपेंडिचर हुआ था मान लो 1000-2000, वो मेरे को डिडक्शन मिल जाता है। लॉटरी के केस में अगर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया है मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब मान लो कि मैंने लॉटरी खरीदी थी 2000 रुपए की, जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का इनाम लगा है, तो 2000 रुपए का डिडक्शन मैं क्लेम लॉटरी में नहीं कर सकता। क्लियर है? तो जितने भी सिम तरीकों के काम होते हैं वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलता। ये हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। चौथी बात बेटा ये कह रहा है कि एनी अमाउंट रिसीव बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। किसी भी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कोई स्टाफ वेलफेयर स्कीम का अगर कोई पैसा मिल रहा है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, एम्प्लॉय रिसीट इंश्योरेंस का कोई प्रोविडेंट फंड टाइप कुछ ऐसा पैसा मिल रहा है, कोई भी स्टाफ वेलफेयर स्कीम होती है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए करवाता है, वो पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो वो क्या होता है बेटे मेरे, वो फुल्ली टैक्सेबल माना जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आप बोल रहे हो सर ये क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए कोई स्कीम रखी कि एम्प्लॉय का इससे भला हो, मान लो दिवाली में कोई बेनिफिट मिल जाता है या रिटायरमेंट पे कोई बेनिफिट मिल जाता है, तो वहां पर वो फुली टैक्सेबल होगा। ये वो वाले बेनिफिट नहीं है जो आप सैलरी में, सैलरी की टैक्सेबिलिटी अलग है, अदर सोर्सेज की टैक्सेबिलिटी अलग है। क्लियर है बेटे? फिर ये बात करता है अगली की, नेक्स्ट 5 और 6 ये कह रहा है कि इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा व्हेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेन बिजनेस। अगर मेरा मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई फर्नीचर एक्सेट्रा है और वहां से मुझे कोई इनकम आ रही है, लेकिन बेटे वो मेरे मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि मेन बिजनेस का पार्ट होता तो कहां पर जाता? पीजीबीपी के अंदर जाता। ऑल वेल। तो मान लो कोई ऐसी, मान लो मेरे घर के अंदर कोई जनरेटर रखा हुआ है और बगल में कहीं शादी चल रही है, उनके वहां का जनरेटर फूक गया, खराब हो गया, उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपना जनरेटर दे दो, मैंने कहा 10,000 रुपीज, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है जनरेटर को किराए पर देना, तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, तो वो जो इनकम आई वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? और एंड के साथ अगला कह रहा है, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग व्हेन इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एक्सेट्रा। तो याद करो हाउस प्रॉपर्टी में हमने टॉपिक पढ़ा था कंपोजिट रेंट। क्लियर है? वो यही है। अगर मैं लेटिंग आउट कर रहा हूं बिल्डिंग जहां पर इनसेपरेबल है लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एक्सेट्रा, मतलब उसके साथ मुझे प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर भी लेट आउट करना पड़ रहा है, जिसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि सेपरेट अगर मैं करता तो सेपरेट वाला पार्ट प्लांट एंड मशीनरी का अदर सोर्सेज में आता और वो वाला पार्ट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाता जहां बिल्डिंग को लेट आउट किया है। बट इनसेपरेबल है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। क्लियर है? तो जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है 5th और 6th, इन दोनों की अगर आप टैक्सेशन टैक्सेबिलिटी निकालने की बात करते हो तो उससे पहले आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। तो इनकम निकालेंगे कैसे? जो भी रेंट रिसीव हुआ है बिल्डिंग से या प्लांट और मशीनरी से या फर्नीचर से, उसमें से आप रिपेयर्स को माइनस कर दोगे, इंश्योरेंस को माइनस कर दोगे और प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे और बची हुई इनकम क्या हो जाएगी आपकी? इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग टैक्सेबल। ऑल वेल बेटे। अगला 7th पॉइंट ये कहता है कि कोई भी अमाउंट रिसीव हो रहा है अंडर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी। किसी को कोई अमाउंट अगर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत रिसीव हो रहा है तो अमाउंट फुली टैक्सेबल होगा। अब डिपेंड करेगा कि वो अगर एम्प्लॉय है तो इनकम अंडर द हेड सैलरी में ले लो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले लो, दोनों में से कहीं भी ले सकते हो। क्लियर है? फिर हम करेंगे बात इनहेंस कॉम्पनसेशन रिसीव की। तो बेटा इनहेंस कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है कि आपका मान लो कहीं पर केस चल रहा था कोर्ट के अंदर 15 साल से, तो कोर्ट का केस चल रहा था 15 साल से, तारीख पे तारीख पड़ रही थी, तो आप कोर्ट के केस की तारीख को अटेंड करने के लिए कोर्ट की तारीख को अटेंड करने के लिए बार बार जाते होंगे, वकीलों का भी खर्चा होता होगा, आपके ऑफिस की भी छुट्टी होती होगी, आप खूब जाते, पिछले 15 साल से आप जा रहे हो और आज आप केस जीत गए तो आपको कोई कॉम्पनसेशन मिला, उस कॉम्पनसेशन को हम बोलेंगे इनहांस कॉम्पनसेशन। तो फिर वो पूरा का पूरा पैसा जो आपको मिला वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, पूरा पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें से वो पैसा जो आपने 15 साल में खर्च किया है
वो माइनस कर देंगे, लेकिन 15 साल में कितना पैसा खर्च किया इसका अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो इनकम टैक्स ने ये बोला कि जो कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है उसमें से 50% हम आपका वो खर्चा मान लेंगे, मतलब कि वो डिडक्शन है, इसको एडहॉक डिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बेटे? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिफ्ट। कोई गिफ्ट रिसीव करता है कोई पर्सन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 के बाद रिसीव करने वाला गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनना बेटे, सबसे पहली बात कह रहा है ये कैश गिफ्ट की, कह रहा है एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू विच एक्सीड्स ₹50,000। अगर आपको कैश गिफ्ट रिसीव हुआ है और ₹50,000 से ज्यादा उसकी वैल्यू है तो बेटे पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा, पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। समझ में आ गई बात? अब गिफ्ट कैश के अलावा आपको दो और फॉर्म में भी मिल सकता है, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिल सकता है या आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिल सकता है। क्लियर है? अगर आप बात करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे मिली बिना ₹1 का कंसिडरेशन दिए हुए, मतलब विदाउट कंसिडरेशन, या मान लो कोई प्रॉपर्टी आपको मिली गिफ्ट के तौर पर लेकिन थोड़ा बहुत कंसिडरेशन आपने दिया था, 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपने दिए थे। तो दो सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन कह रहा है विदाउट कंसिडरेशन, ये बहुत आसान है, टैक्सेबल तब होगा अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ₹50,000 से ज्यादा होगी। क्लियर है बेटे? समझ में आ गया? मतलब मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर मिल रही है तो टैक्सेबिलिटी तब अराइज होती है जब उसकी वैल्यू ₹50,000 से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है? अब दूसरी बात यह कहता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मैंने थोड़ा बहुत पैसा दिया है और थोड़ा बहुत पैसा जो है मुझे गिफ्ट के तौर पर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 2 लाख 3 लाख रुपए मैंने दिए, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो टैक्सेबिलिटी तब होगी जब अमाउंट ऑफ 50,000 एंड अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ कंसिडरेशन। मैंने इसकी एनालिसिस नीचे करी है, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन थी, देखो एनालिसिस ये, दस द टैक्सेबिलिटी विल अराइज व्हेन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110%, मतलब 110% ऑफ द कंसिडरेशन और ₹50,000 विच एवर इज मोर। क्लियर है बेटे? यहां मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट है पूरा का पूरा क्लियर किया है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट के तौर पर तो टैक्सेबिलिटी ये होगी कि मैंने जो कंसिडरेशन दिया है वो कंसिडरेशन जो टैक्सेबिलिटी विल अराइज व्हेन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110%। जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की है वो कंसिडरेशन के अमाउंट का 110% से ज्यादा होगी या 50,000 से ज्यादा होगी, दोनों में से विच एवर इज क्या है, मोर। ऑल वेल बेटे? तो तभी आपकी टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, वरना टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, दस द टैक्सेबिलिटी विल अराइज व्हेन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन और ₹50,000 विच एवर इज मोर। क्लियर है बेटे? तो बात करते हैं हम, तो यहाँ अमाउंट टैक्सेबल, यहाँ पर देखो लिखा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल्स कंसिडरेशन माइनस कर दो, तो जो नीचे एनालिसिस करी वो मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, अब कह रहा है कि नोट, हाँ जी नोट ये भी है, मान लो कि डेट ऑफ ट्रांसफर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों में डिफरेंस है। डेट ऑफ ट्रांसफर अलग है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई है वो अलग डेट पे की गई है, रजिस्ट्रेशन अलग डेट पे हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझना ये है कि डेट ऑफ ट्रांसफर अलग है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है, तो ऐसे सिचुएशन में डेट ऑफ एग्रीमेंट को आप लोग जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो आप चेक कर लोगे। क्लियर है? डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो मूवेबल प्रॉपर्टी बहुत आसान है बेटे, अगर विदाउट कंसिडरेशन ली है तो फेयर मार्केट वैल्यू, देखो बेटे इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात करते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं। अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो टैक्सेबल होगा तब जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ₹50,000 से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। क्लियर है?
और अगर इन एडिकेट कंसिडरेशन में लिया हो तो टैक्सेबल तब होगा जब वो एक्सीड्स होगी ₹50,000। तो क्या एक्सीड होगा, तो फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 2 लाख है, सेल कंसिडरेशन जो है वो 1,40,000 है, मतलब मैंने 1,40,000 रुपए दिया और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो सामान मुझे गिफ्ट मिला 2 लाख रुपए, तो डिफरेंस क्या आया 60,000। तो मतलब अगर ये डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगी, यानी कि ये वाली चीज टैक्सेबल है। ऑल वेल, समझ में आ गया बेटे। अब ये अगला पॉइंट ये कह रहा है एक्सेप्शंस ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि इन इन जगहों पर अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो वहां पर वो टैक्सेबल नहीं होने वाला। मैंने एक पॉइंट इसके आगे लिखा हुआ है, वो पॉइंट भी बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पर, और आपकी मैरिज, ये एसएससी की मैरिज की बात कर रहा है, ऐसा नहीं एसएससी किसी शादी में गया हो या कुछ वैसा, एसएससी की मैरिज के टाइम पर अगर उसे कोई गिफ्ट मिला है तो वहां पर कोई वो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी नहीं होती। बाय द वे ऑफ विल, अगर विल के तौर पर मिला है, विल आप जानते ही हो, फिल्मों में आपने देखा होगा। इन केस ऑफ कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ, किसी की डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आज आ गई है, तो वहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। ये आपको पढ़ना है, फ्रॉम ट्रस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। किसी ट्रस्ट से मुझे कोई पैसा मिला है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला है स्कॉलरशिप टाइप, किसी यूनिवर्सिटी से मिला है या अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इसके आगे मैं ये बताना चाहूंगा, हाउएवर The exemption shall not be availed where any sum of money or property has been received by any person referred to in section number 13. Section number 13, subsection 3 of Income Tax Act के तहत अगर किसी assessee को कोई money receive हुई है किसी educational institution से, किसी trust से, तो वो वाला पैसा जो है वो taxable होता है। तो सर ये section 13(3) क्या है, तो देखो लिखा हुआ है सेक्शन 13(3) डील कर रहा है विद द टैक्सेशन ऑफ इनकम रिसीव्ड और अक्रूड आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया में हुई है या अक्रूड आउटसाइड इंडिया में हुई है, ये सेक्शन स्पेसिफाई करता है सर्कमस्टांसेस जिसमें इनकम इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड और अक्रूड इन इंडिया। ऐसी इनकम जो रिसीव आउटसाइड इंडिया में हुई है लेकिन उसको डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे, तो वो वाली इनकम पे टैक्स लगने वाला है। समझ में आई बात, थोड़ा बहुत यहाँ पर ये रेजिडेंशियल स्टेटस आपको याद आ रहा होगा, यानी कि इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा तो वहां पर ये टैक्सेबल होने वाला है, क्लियर है। इसके अलावा अगर नॉर्मली किसी ट्रस्ट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से या अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे मिलता है गिफ्ट, तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स जो कि बात करता है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू अक्रूराइज आउटसाइड इंडिया, जिसको हम इंडिया में अक्रूराइज मान लेंगे, तो वो टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है। या किसी लोकल अथॉरिटी से या किसी रिलेटिव से मिलने वाला पैसा, क्लियर है। तो यहाँ रिलेटिव और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नीचे है, जरा वो देख लेते हैं फिर दोबारा ऊपर आएंगे। मीनिंग ऑफ रिलेटिव, तो बेटा रिलेटिव की बात ये कर रहा है स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, एनी लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, कोई लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस और स्पाउस ऑफ ए पर्सन रेफर्ड टू इन 2-4, ठीक है। ये अपने रिलेटिव हो गए। और प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ये आप देख लो बेटे, लैंड, बिल्डिंग, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस जो सोने की छड़ी होती है पता है आपको, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ गलती करते थे, मान लो क्वेश्चन में कार गिफ्ट हुई है, तो बेटे कार प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ आप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में वही चीजें लोगे जो इस लिस्ट के अंदर है, इस लिस्ट के अलावा की किसी भी चीज को आप अदर सोर्सेज में गिफ्ट की बात नहीं समझने वाले, क्लियर है बेटे। तो ये हमारा गिफ्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं वापस दोबारा गिफ्ट के बाद। 10th पॉइंट ये कहता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। मान लो कि किसी असेसी ने कोई एडवांस मनी रिसीव करी, कोई मान लो प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसी से बयाना लिया 2 लाख रुपए का, लेकिन जिसने बयाना दिया वो तो आया ही नहीं,
तो अब वो पैसा फॉरफिट हो गया, फॉरफिट हो गया तो बयाना फॉरफिट हो जाता है, तो मैंने वो पैसा फॉरफिट कर लिया, तो मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और पीजीबीपी तो है नहीं, तो ये इनकम आ जाएगी कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर है बेटे? तो ये 10 इनकम तो स्पेसिफिक इनकम थी, सबके बारे में बताया। अब एक 11वां टॉपिक है जो कि अदर इनकम्स की बात करता है, जो कि रेजिडेंट्री इनकम होती है। रेजिडेंट्री मतलब बची खुची। तो बची खुची इनकम कौन कौन सी होती है? एक होती है अमाउंट रिसीव बाय टीचर और लेक्चरर फॉर एक्टिंग एज एग्जामिनर और पेपर सेटर। मैं एज ए टीचर या एज ए लेक्चरर, एग्जामिनर और पेपर सेटर कहीं पर जा रहा हूँ, मान लो आपके सीए के एग्जाम है, वहां पर मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसे मिल रहे, तो वो पैसे बेटे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाते हैं। डायरेक्टर को फीस मिल रही है, मान लो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी का, तो वहां मुझे फीस रिसीव हो रही है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम बेटे इंडिया से नहीं, इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होती है, आउटसाइड इंडिया से मिलने वाली इनकम टैक्सेबल होगी। मान लो सिंगापुर में मेरा कोई घर है, वहां से कोई, सॉरी, सिंगापुर में मेरी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम आ रही है, तो वो अदर सोर्सेज में आएगी। मुझे कोई रॉयल्टी मिल रही है, इनकम फ्रॉम सबलेट। सबलेट क्या होता है बेटे? तो ये मैंने रेगुलर क्लास में बताया हुआ है आप लोगों को। मान लो मेरे घर किराए पे लिया, मैं उसमें रह रहा हूँ, और मैंने एक बंदा अपने नीचे रख लिया अपने ही घर में, आधा रेंट में उससे ले रहा हूँ, ये इनकम फ्रॉम सबलेट हो गया। इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड कुछ मिल गया, बैंक का इंटरेस्ट मुझे मिल गया, कैजुअल या कोई इनकम मिल गई, कोई फैमिली पेंशन मिल गई आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डेथ के बाद मिलने वाली फैमिली इनकम। क्लियर है? तो एक काम करता हूँ, मैं टैक्स रूल बताता हूँ अदर इनकम के। सबसे पहला रेजिडेंट्री इनकम का, मतलब ऊपर से लेकर यहाँ से यहाँ तक की इनकम, फैमिली पेंशन को छोड़कर जो भी एक्चुअली अमाउंट रिसीव हुआ है, उसमें से एक्सपेंडिचर जो मैंने किया है उस इनकम को रिसीव करने के लिए, वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ पूरा टैक्सेबल। जैसे कि मुझे एज ए एग्जामिनर और पेपर सेटर 1,00,000 रुपये मिले, और 5,000 रुपये मेरा खर्चा हुआ था 1,00,000 रुपये को कमाने के लिए, तो 1,00,000 - 5,000, 95,000 विल बी माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और टैक्सेबल फैमिली पेंशन की अगर आप बात करो, तो ये टैक्सेबल कैसे होगी? ग्रॉस फैमिली पेंशन जो भी रिसीव हो रही है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस कर देंगे। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? तो बेटे 1/3 ऑफ ग्रॉस फैमिली पेंशन और ₹50,000 विच एवर इज लेस। क्लियर है? यानी कि मुझे अगर फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, तो मैं उसमें से एक डिडक्शन माइनस करूंगा, क्या? ग्रॉस फैमिली पेंशन जो भी है, मान लो मेरी ग्रॉस फैमिली पेंशन आई ₹90,000, तो डिवाइड बाय 3 और 15,000, विच एवर इज लेस, तो 30,000 और 15,000 लेस किया 15, तो 15,000 मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ग्रॉस फैमिली पेंशन माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000, ग्रॉस 90 मिला, तो 90 में से 15 मेरा माइनस हो गया, अमाउंट बचा 75,000 मेरा टैक्सेबल। ऑल वेल बेटे? क्लियर है? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? 1/3 ऑफ ग्रॉस फैमिली पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस। क्लियर है? नोट यहां पर एक बात लिखी हुई है, अगर किसी पुलिस, कोई एम्प्लॉय पुलिस में था या डिफेंस सर्विसेज में, जो अपने वर्क को, अपने काम को करते वक्त शहीद हो जाते हैं, उनको मिलने वाली फैमिली पेंशन एग्जेम्प्ट रहती है। क्लियर है बेटे? तो ये मेरा पूरा हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है, सॉरी अदर सोर्सेज मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। इस अदर सोर्सेज में एक चीज मुझे और आपको बतानी है, वो है बेटे सेक्शन नंबर 222 (22) ABCDE। तो ये हमने रेगुलर क्लास में भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। 222 ABCDE, जिसको हम कहते हैं डीम्ड डिविडेंड, मतलब एक कंपनी कंपनी का बाद में इनकम टैक्स वाला किसी असेसी को मिलने वाली कोई इनकम जो दिखने में डिविडेंड नहीं है, लेकिन उसको फिर भी डिविडेंड मान लेती है, डीम डिविडेंड। अब जैसे कि डिविडेंड पे हमें टैक्स देना होता है, हमने ऊपर पढ़ा, तो कोई असेसी दिमाग चला सकता है, वो अपनी कंपनी से सेटिंग कर सकता है कि आप मुझे डिविडेंड दे रहे हो, लेकिन आप मुझे डिविडेंड बोल के डिविडेंड मत दो, आप किसी और तरीके से डिविडेंड दे दो। क्लियर है? जैसे कि मैंने कंपनी की कोई डिविडेंड की जगह, अमाउंट की जगह एसेट्स ले लिया, तो या कंपनी ने रिडक्शन के टाइम पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के टाइम पे मुझे पैसे, कोई एसेट्स दे दिया, तो ऐसी सिचुएशन में वो पैसा डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। ये हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बस इसका एक पॉइंट मुझे करवाना है कि सेक्शन 222E, एक कंपनी
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रही है, एक प्राइवेट कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रही है जिसमें असेसी का यानी कि मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्लियर है? तो अगर एक प्राइवेट कंपनी ने किसी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो मान लेंगे वो पैसा लोन का डिविडेंड दिया गया है। क्लियर है बेटे? लेकिन यहां पर एक्सेप्शन ये है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी का काम फाइनेंस का नहीं होना चाहिए, लोन देना नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा ओवरऑल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हुआ। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया। ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, एमसीक्यूज आपके पास आने वाले हैं वो भी आप कर लेना। क्वेश्चंस हमने सारे किए हुए हैं, एक बार और आपको रिपीट करना है। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगले चैप्टर्स के साथ, डिडक्शन, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, उसके बाद हम पीजीबीपी की बात करेंगे। क्लियर है बेटे? और तब तक के लिए आप वीडियोस को अच्छे से देखो, डाउट्स है वो पूछो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है। ठीक है बेटे? तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।